हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दी विस्कीपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक एंट्री लेवल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की आपके साथ शेयर करूंगा, ग्रांट्स की डिस्टिंक्शन। जी हां, ये एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट है और स्पेशली इंडियन पैलेट के लिए बनाया गया है। सारी जानकारी इसके बारे में मैं इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। तो दोस्तों, ग्रांट्स डिस्टिंक्शन प्रोडक्ट है विलियम ग्रांट्स एंड सन्स का। विलियम ग्रांट्स एंड सन जो कि ओन करती है काफ़ी बड़े बड़े नामों को, जैसे कि ग्लेनफिडिक सिंगल मॉल्ट होगी, जैसे कि मंकी शोल्डर होगी, ग्रांट्स की ट्रिपल वुड होगी। जी हाँ, ये उसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये आप मान के चल सकते हो कि ग्रांट्स जो ट्रिपल वुड आती है उसका छोटा भाई है। उन्होंने ये प्रोडक्ट स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए जो है बाज़ार में उतारा है। इसकी जो बॉटलिंग होती है ये इंडिया में होती है, इसकी ब्लेंडिंग, इसकी मैचुरेशन और इसकी जो डिस्टिलेशन होती है ये स्कॉटलैंड में होती है। आप एक तरह से कह सकते हो कि ये एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, लेकिन इंडियन ब्रांडेड स्कॉच विस्की मैं बोलूँगा, क्योंकि स्पेशली इंडिया के लिए ही उन्होंने बाज़ार में उतारी है। और इसका जो प्राइस है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि भाई इसकी बॉटलिंग इंडिया में होती है तो प्राइस ऑब्वियस है कि काफ़ी ज़्यादा कम होगा। इसमें जो आपको एल्कोहल स्ट्रेंथ मिलेगी ये 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिलेगी। तो दोस्तों, ये है बॉक्स। देखने में काफ़ी सिंपल सोबर है, लेकिन काफ़ी अच्छा है देखने में। प्राइस के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई मैंने इसको डिस्काउंटेड प्राइस में चंडीगढ़ से बाय किया था। मुझे ये 900 रुपीज़ की चंडीगढ़ से मिली थी। वैसे इसका जो नॉर्मली प्राइस चलता है ये चलता है 1100 से लेकर 1200 रुपीज़। फिर भी बहुत ज़्यादा एक मैं बोलूँगा बजट फ्रेंडली प्राइस है, क्योंकि एंट्री लेवल स्कॉच विस्की इससे थोड़ी सी महंगी आती है, लेकिन ये 50-100 या हो सकता है 200 रुपये बाकी जो एंट्री लेवल स्कॉच विस्की आती है उससे थोड़ा सा कम ही प्राइस है इसका। तो अब इसकी बॉटल देख लेते हैं। बॉटल भाई इसकी देखने में काफ़ी अच्छी है, जो कि याद दिलाती है ग्लेनफिडिक सिंगल मॉल्ट की और इनकी ग्रांट्स की ट्रिपल वुड की। एक थ्री साइडेड एक बॉटल है। बॉटल की लुक काफ़ी अच्छी है। बैक के ऊपर एक होलोग्राम है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब मैं बॉटल को ओपन करता हूँ, पोर करते हैं इसको ग्लास में, फिर करते हैं इसकी नोजिंग और टेस्ट। तो चलिए फटाफट से ओपन करते हैं अपनी बॉटल को। दोस्तों, इसमें एडिड कलर्स डाले गए हैं और जो इसकी मैचुरेशन होती है ना, वो ओक कास्क में होती है। कलर मैं बोलूँगा इसका लाइटर साइड पे है, ज़्यादा डार्क नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सा लाइट लग रहा है कलर देखने में। कलर तो काफ़ी अच्छा है इसका। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसकी बॉडी कैसी बन रही है, इसकी लेग्स कैसी बन रही हैं, उसके बाद इसकी नोजिंग करते हैं। दोस्तों, इसकी मीडियम बॉडी बन रही है, मीडियम लेग्स बन रही है, तो मेरे हिसाब से इसकी जो माउथ फील होगी ये मीडियम होगी, ज़्यादा थिक फील नहीं देगी ये। तो जल्दी से नोजिंग करते हैं। चेयर्स ऑन द नोज। जैसे ही नोज कर रहा हूँ, सम एप्पल्स के साथ साथ हल्की सी एल्कोहल की बाइट, हल्का सा एल्कोहल का पंच मुझे मिला इसमें। सम कैरेमल मैं बोलूँगा, हल्का सा कैरेमल मिल रहा है। थोड़ी सी ओवर पावर्ड लग रही है मुझे अल्कोहल, जैसे जैसे मैं नोज कर रहा हूँ हल्का सा मेरे नोज में चढ़ रहा है, हल्की सी ओवर पावर्ड लग रही है, लेकिन एप्पल्स का और कैरेमल का काफ़ी अच्छा एक अरोमा आ रहा है। एक हल्की सी बिल्कुल बैक एंड पे बिल्कुल हल्की सी बर्निंग एक इफ़ेक्ट आ रहा है, एक जली हुई लकड़ी की हल्के हल्के नोट्स आ रहे हैं। नोजिंग ठीक है, प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ी सी मैं बोलूँगा अल्कोहल का पंच भी है इसमें। तो जल्दी से टेस्ट करते हैं। चीज़ नीट पीने में अल्कोहल का बर्न दे रही है, काफ़ी अच्छा खासा इसने मेरी टंग पे, मेरे पैलेट पे इसने बर्न दिया है।
एप्पल्स मिल रहे हैं, लेकिन भाई स्पिरिटेड लग रही है मुझे। स्पिरिट का एक काफ़ी अच्छा खासा टेस्ट मिल रहा है, और मैं बोलूँगा कि ग्रेन विस्की का काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। एक ग्रेन विस्की जैसे कि एक पिंच करती है हमारे टंग के ऊपर, वैसी पिंच वैसी बाइट मेरी टंग पे मिल रही है। श्योरली ये तो नीट पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी गई, मैं सुजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप इसको नीट पियो। मिक्सिंग के लिए मिक्स कर सकते हो आप इसको, कॉकटेल्स बना सकते हो या फिर सोडे के साथ ले सकते हो। ऑन द रॉक्स बिल्कुल मत पीना, नीट तो भूल ही जाओ, बिल्कुल मत पीना, आपको अच्छी खासी बर्न मिलेगी। भाई मज़ा नहीं आया मुझे, सच में मज़ा नहीं आया पीने में, पैसा वेस्ट हो गया ये भी मेरा 900 रुपया, मुझे ऐसा लग रहा है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। आज जो मैं इसको रेटिंग दूंगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी, 6.5 out of 10 दूंगा, ज़्यादा नहीं दे सकता क्योंकि सच में कोई मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आया। बर्निंग बहुत ज़्यादा मिल रही थी मेरी टंग के ऊपर, पीने में भी काफ़ी ज़्यादा बर्निंग दे रही है, नोजिंग में भी इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा एक अल्कोहल का मुझे अरोमा आ रहा है। यही मेरी तरफ से रेटिंग होगी। अगर किसी ने ट्राई की है प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ आपको पीने में कैसी लगी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।